नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम 6283 आईसी में MP3 किट को कनेक्ट करके FM और कार्ड को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये किट आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। दोस्तों, इस MP3 किट को चलाने के लिए 5 वोल्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हम इसके साथ 5 वोल्ट करंट देंगे तो ये MP3 किट ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें एक सेकंड पिन रहती है जिससे ऑक्स आउट होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 4 पिन दी हैं, इनसे ही दोस्तों अब ऑक्स जो रहता है वो आउट होता है। दोस्तों, MP3 किट कनेक्ट करने से पहले हम इसको समझते हैं। दोस्तों, ये वाले वायर्स बैटरी के लिए हैं, बीच वाले वायर्स स्पीकर के लिए हैं, और ये दोस्तों MP3 किट के ऑक्स के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इन वायर्स को ओपन कर लेते हैं। इनको दोस्तों ओपन करने के बाद जो MP3 किट का ऑक्स आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो जो ग्राउंड वाला है और एक राइट वाला वायर है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों कोई भी वायरिंग नहीं करनी। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे और बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास 4 ओम 5 वाट का स्पीकर है। आप 6283 आईसी में इससे बड़ा स्पीकर भी चला सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों हमको MP3 किट में पावर देनी है और 6283 आईसी में पावर देनी है। तो MP3 किट में पावर 5 वोल्ट की देना होता है दोस्तों, इसमें आपको 12 वोल्ट नहीं लगाना है। अब दोस्तों एक 12 वोल्ट की बैटरी को हम 6283 आईसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये रही दोस्तों हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी। अब जैसे ही हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें म्यूज़िक ऑन हो चुका है, जो कि FM वाला है। दोस्तों आपको एक बात का याद रखना है, यदि आप इसमें FM चलाना चाहते हैं तो FM चलाने के लिए आप याद रखें दोस्तों एंटीना की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है,